एस क्यू डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई एम शैलेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। आपने पिछले लेक्चर में हमने लॉ के बारे में देखा था कि लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, यानी एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है और एक लोकल लॉ। तब यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करेंगे। सीआरपीसी केम इनटू फोर्स 1973, यानी जो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता है वो 1973 में आपकी बनी और 1 अप्रैल 1974 से ये लागू की गई। 1974 से ये देश में लागू हुई। इसके पहले भी हमारे पास सबसे पहले सीआरपीसी 1898 में आई। इसमें बहुत सारी कमियां होने के कारण लॉ कमीशन ने कई अमेंडमेंट किए, सुधार किए और लास्ट में ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को लाया गया, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये चल रही है और इसी से हम अधिशासित होते हैं। सारी जो दंडिक प्रक्रिया है सब इसी से संचालित होती है। तो इसमें आपको टोटल चैप्टर हैं 37, टोटल चैप्टर 37, 484 सेक्शन हैं। अब ये आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बताएगी, क्लासिफिकेशन आप कोड बताएगा, हायरार्की क्या होगी, कितने प्रकार के दंड न्यायालय होंगे और वो दंड न्यायालय किस प्रकार से कार्य करेंगे, किसके सबॉर्डिनेट होंगे, फिर देन इसके बाद इसमें आपका किस प्रकार से व्यक्ति की अरेस्ट करेंगे, यानी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी करने में क्या क्या नियम फॉलो करने होंगे, आप किसी व्यक्ति को अगर कोई कॉल करना है, बुलाना है कोर्ट के समक्ष, तो कैसे आप उसको प्रस्तुत कराएंगे, बुलाएंगे, अपने पास कॉलिंग करने की क्या विधि होगी। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक वन बाई वन चैप्टराइजेशन है और उसी का हम क्रमवार अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने केम इनटू फोर्स 1974, यानी 1 अप्रैल 1974 से ये लागू की गई। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर आपके 37 है, टोटल नंबर आप चैप्टर हैं 37, इसको दो पार्ट में आप यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं कि बिफोर ट्रायल कितने चैप्टर होंगे और आफ्टर ट्रायल कितने चैप्टर होंगे, यानी इसको दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 1-15 ये आपका बात करता है बिफोर ट्रायल, यानी विचारण प्रारंभ होने के पूर्व क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, विचारण प्रारंभ होने के पूर्व प्रक्रिया, प्रारंभ होने के पूर्व प्रक्रिया और विचारण, एक बार प्रारंभ हो जाता है तो विचारण समाप्ति के पश्चात क्या प्रक्रिया होगी, यानी विचारण समाप्ति के बाद प्रक्रिया, तो विचारण प्रारंभ होने के पूर्व प्रक्रिया जो होगी वो चैप्टर नंबर 1-16, 16 अध्याय होंगे और 70 से लेकर 37 लास्ट चैप्टर तक यह आप विचारण प्रारंभ हो चुका है, विचारण एंड हो चुका है और एंड होने के पश्चात क्या क्या प्रोसीजर कोर्ट अपनाएगा वो आपको 17 से लेकर और 37 तक डील करेगा। यानी आपका विचारण एक बार स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने से एंड तक की जो प्रक्रिया है वो 17-37 में दी गई है। अभी विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है, विचारण स्टार्ट होने के पहले क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो सब आपका चैप्टर नंबर 1-16 आपको डील करेगा। तो विचारण प्रारंभ होने के पहले क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब विचारण प्रारंभ होने के पूर्व आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दंड न्यायालय के वर्ग यहाँ पर देखने होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट, दंड न्यायालय के कितने वर्ग होते हैं। अभी विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है, विचारण प्रारंभ होने के पहले कोर्ट की हायरार्की आपको जाननी होगी। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 4 प्रकार के दंड न्यायालय की बात करता है। एक आपका कोर्ट ऑफ सेशन होगा, सेशन न्यायालय होगा, जेएमएफसी कोर्ट होगा, प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा, और ए जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास,
यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा, फिर इसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ये सीआरपीसी में दिए गए हैं। तो चार प्रकार के ही न्यायालय होते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन होगा जेएमएफसी, यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकंड जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी चार प्रकार के दंड न्यायालय होंगे जो आपकी ये न्यायिक व्यवस्था है, इस न्यायिक व्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन किसके सबॉर्डिनेट होता है, हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट होते हैं। ये सारे मजिस्ट्रेट आपके साधारण नियंत्रण में रहते हुए, सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण में रहते हुए हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट होते हैं। तो सेशन न्यायालय में आपके तीन प्रकार के जजेज देखने को मिलेंगे। ये आपका एडीजी होगा, असिस्टेंट यानी सहायक सेशन न्यायाधीश, और एक डीजे। तो ये सेशन न्यायालय में तीन प्रकार के मजिस्ट्रेट होंगे, इनके क्या पावर होंगे, एडीजी के और डीजे साहब के सेम पावर होते हैं, यानी ये विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं। इन्हें मृत्यु दंड देने के लिए कन्फर्मेशन लेनी होती है हाई कोर्ट से, और उसके पश्चात कोई भी एनी पनिशमेंट इनको देने की शक्ति यहाँ पर दी गई है चैप्टर नंबर 2 में। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट चैप्टर नंबर 2 में है, इसकी पावर्स एंड जो शक्तियां हैं न्यायालयों की वो चैप्टर 3 में क्लासिफाई किए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो असिस्टेंट सेशन जज है वो 10 ईयर तक की सज़ा दे सकते हैं, यानी ये बिल्कुल सेम होते हैं, डीजे या सेशन जज, एडीजी, ये इक्वल रैंक के होते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो 10 साल तक की सज़ा देने की शक्ति रखते हैं। जेएमएफसी यानी 3 ईयर तक के पनिशमेंट दे सकते हैं, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना इम्पोज किया जा सकता है। इनकी पावर्स जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं 3 साल की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को 1 ईयर का पनिशमेंट और 5,000 रुपये का फाइन इम्पोज करने की शक्ति है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्य दंड देना नहीं है, ये राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बनाने का कार्य हमारी सरकार की ड्यूटी है कि वो हमारी रक्षा करे, हमारी सुरक्षा करे, और वो लोक व्यवस्था बनाने का कार्य भी सरकार का है। तो सरकार ने एक व्यक्ति को अपना अपॉइंट किया है जो क्लासीफाई इसमें आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होगा, एसडीएम होंगे, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, यानी अपराध होने के पूर्व रोकने का जो कार्य है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यदि कोई भी अपराध होने के पूर्व कोई भी आशंका होती है, कोई खतरा उत्पन्न होता है, कोई लोक न्यूसेंस होता है, उसको रोकने का कार्य यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। वो उसे कर्फ्यू लगा सकते हैं, 144 का ऑर्डर कर सकते हैं, 145 का ऑर्डर कर सकते हैं, या उसके पूर्व यहाँ पर रोकने के लिए बहुत सारे कार्य यानी शक्ति हैं। वो बॉन्ड भरा सकते हैं, सियोरिटी ले सकते हैं, प्रतिभूति ले सकते हैं, प्रतिभूति लेकर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना कार्य संचालित करेंगे। तो जो प्रारंभिक अध्याय था, उस प्रारंभिक अध्याय में ये 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी लागू हुई, यह एक प्रक्रिया विधि है, और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट था कि दंड न्यायालय की कितने वर्ग होंगे। तो दंड न्यायालय के मुख्यतः 4 वर्ग सेक्शन 6 में, सीआरपीसी की सेक्शन 6 में 4 प्रकार के दंड न्यायालय का ही जिक्र किया गया है। फिर देन इसके बाद 7 में प्रादेशिक खंड है, महानगर क्षेत्र है, सेशन न्यायालय कैसे अपॉइंट होगा, उसकी बिल्डिंग कौन बनाएगा, उसमें नियुक्ति कौन करेगा, ये सारे प्रोविजन 6 से लेकर 25A तक दिए गए हैं। देन 26 से 30 तक ये सारा पावर्स है कि 26 में यानी अपराधों का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो अपराधों का विचारण प्राइमा फेशी हाईकोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और हाईकोर्ट यदि ऑथराइज्ड करता है तो सेशन न्यायालय के द्वारा इसका विचारण होगा। इसमें सीजीएम होंगे और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, इनके द्वारा विचारण किया जाएगा। इनकी ये शक्तियाँ होंगी कि असिस्टेंट सेशन जज को 10 साल की सज़ा देने की शक्ति है, और एडीजे और डीजे और सेशन जज को विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड देने की यहाँ पर शक्ति दी गई है, और जेएमएफसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना दे सकते हैं, 1 साल की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को देने की शक्ति है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट
लर्न ऑर्डर मेंटेन करता है, अब इसके बाद आपका जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की क्या शक्तियां होंगी, तो चैप्टर नंबर 4 डील करता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां। चैप्टर नंबर 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां, तो हमें यह जानना होगा सबसे सुपरविजन ऑफिसर कौन होता है, पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है, तो वो ऑफिसर और एक बिलो ऑफ द रैंक यानी नीचे के निम्न पुलिस अधिकारी की क्या क्या शक्तियां हैं। तो यहां पर पुलिस की जो शक्तियां होंगी, तो सबसे बड़ा यानी ऑफिसर होता है DGP, और एक राज्य में DGP होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा, इसी के अंडर में सारी पुलिस काम करेगी। तो DGP के बाद एक IG, यानी छतरपुर शहर में अगर कोई घटना घटित होती है तो यहाँ पर एक गृह मंत्रालय बनाया गया है, होम डिपार्टमेंट होगा, होम डिपार्टमेंट यानी गृह मंत्रालय से जवाब लिया जाएगा कि आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में क्या घटना घटित हो रही है। तो यहाँ पर जो होम डिपार्टमेंट होगा, होम डिपार्टमेंट DGP से कांटेक्ट करेंगे कि ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। फिर DGP IG से एक प्रोटोकॉल है, इसके आधार पे यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। तो IG होंगे, IG के बाद DIG होंगे, DIG ये संभाग में, IG संभाग में होते हैं, DIG डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं, एक जिले या के दो या तीन जिलों के भी एक DIG हो सकते हैं। तो DIG के बाद फिर आपका DSP होगा, SP होंगे, फिर उसके बाद TI होंगे, फिर कांस्टेबल। तो ये एक चयन है, इस आधार पे इस कड़ी बनी हुई है, ये प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 डील करता है कि जो TI के पास जो शक्तियाँ हैं वो उन सभी शक्तियों का प्रयोग ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अपराध घटित हुआ, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इन्वेस्टिगेशन इनके ज्यूरिडिक्शन में हुआ है, इनकी अधिकारिता में हुआ है, तो उस अधिकारिता में जो इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण ये TI साहब कर रहे थे, जो इनको शक्तियाँ थी, वही सभी शक्तियाँ इनको भी चैप्टर नंबर 4 प्राप्त करा रहा है कि आपको भी ये शक्तियाँ हैं, आप भी चाहें तो इन्वेस्टिगेशन का कार्य आप स्वयं कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, तो IG के बाद फिर DIG होता है, DIG के बाद DSP होता है, और DSP SP एक सेम इक्वल रैंक होते हैं, फिर उसके बाद TI हो गया, कांस्टेबल हो गया, 2-स्टार हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ। तो चैप्टर नंबर 5 गिरफ्तारी, वेरी इंपॉर्टेंट है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये आपका प्रोसीजर पूरा चैप्टर नंबर 5 बता रहा है कि आपको अरेस्ट ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति की गिरफ्तारी आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 41 से 60A तक। 60A धारा 60A स्पष्ट रूप से बता रही है कि आपको अगर किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी करना है तो आपको इसी संहिता का पालन करना होगा, इसी अध्याय का पालन करना होगा, इसको पालन करते ही आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकते। तो इसको गिरफ्तारी को सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज अरेस्ट, क्या होता है। तो अरेस्ट मींस गिरफ्तारी मींस किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेना, बड़ा सरल शब्द है, स्वतंत्रता को छीनना वो अरेस्ट कहलाता है। अरेस्ट मीन्स ये नहीं कि आपने उस पर बेड़ियाँ लगा दी, हथकड़ियाँ लगा दी, या कहीं किसी प्रकार से आपने उसको बंद कर रखा है तभी आप उसको अरेस्ट मानेंगे। अरेस्ट मीन्स है कि आपने उस व्यक्ति की फ्रीडम को छीन लिया, यानी स्वतंत्रता को छीनना आपका अरेस्ट कहता है। तो यहाँ पर जो CRPC में प्रोविजंस हैं कि 41 ये बात कर रहा है कि आप विदाउट वारंट कब किसको कैसे अरेस्ट कर सकते हो, यानी आपको किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता को छीनना है तो या तो आपको मजिस्ट्रेट का आदेश लाना होगा या पुलिस का वारंट लाना, मजिस्ट्रेट का वारंट लाना होगा, तभी आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता। तो 41 ये स्पष्ट करता है कि बिना वारंट आप कब किसको गिरफ्तार कर सकते हैं, यहाँ पर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट करने की एक विधि बता रहा है 41, कि अगर कोई व्यक्ति है जो 7 वर्ष तक का कोई अपराध करता है या साक्ष्य को मिटाना चाहता है, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है और उसका अपराध 7 वर्ष से अधिक का है, तो आप उसको बिना वारंट के उसी स्पॉट पे ही आप डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हो।
मामला यदि आपका कॉग्निजेबल है, संज्ञेय मामला है, तो आप उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। अगर वो कोई उद्घोषित अपराधी है तो भी आप उसको बिना वारंट अरेस्ट कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति या कूटरचित दस्तावेज रखता है तो वहाँ पर भी आप विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हो। सेक्शन नंबर 42 डील करता है कि कोई व्यक्ति नाम निवास पता बताने से इनकार करता है तो आप उसको यहाँ पर 42 के अंतर्गत अरेस्ट किया जा सकता है। 43 में है कि अगर प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी कब की जाएगी, तो यहां पर 41 गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रोविजंस थे 41 से 60 तक, तो यहां पर विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही आप किसी व्यक्ति को अन्यथा वंचित कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 ये कहता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जब तक आपकी विधि की स्थापित प्रक्रिया नहीं है तो आप किसी व्यक्ति को अन्यथा वंचित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बता रहा है कि आप बिना वारंट के आप किसी व्यक्ति को कब अरेस्ट कर सकते हो। तो आप वो कोई 7 वर्ष से अधिक, कोई संज्ञेय अपराध करता है, उद्घोषित अपराधी है, चुराई हुई संपत्ति रखता है, कोई भी वायलेंस हुआ है इस प्रकार पकड़ने का, तो आप उसको यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हैं। 42 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नाम निवास बताने से इनकार करता है, गलत बताता है, संदेहास्पद बताता है, तो आप उसको बिना वारंट के यहाँ पर गिरफ्तार कर लो। 43 डील करता है कि प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, तो अगर आप लोगों की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध घटित हो रहा है तो आप वहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट करके उसको पुलिस थाने में ले जाके आप उसको पुलिस वालों के या अन्य जुडिशियरी की कस्टडी में रख सकते हैं। तो आप भी किसी व्यक्ति को जो अपराध करने वाला है या अपराध करने की आशंका है तो आप उसको 43 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लीजिए। 44 में मजिस्ट्रेट कब किस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, तो 44 ये बात करता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है, उसके सामने कोई अपराध हुआ है और उसने देखा है, तो वहाँ पर वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कराएगा और उस पर वो विधिवत प्रक्रिया का पालन करेगा जैसे एक अरेस्ट पर्सन के द्वारा अरेस्ट पर्सन का किया जाता है। मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट साहब एक टहलने जा रहे थे, रास्ते में वॉकिंग कर रहे थे और वहाँ पर कोई व्यक्ति एक दूसरे को चाकू मारते हुए देखा, तो वहाँ पर ही वो अरेस्ट करके वो वहाँ पर न्यायालय में भेजकर उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। 45 ये डील करता है कि सशस्त्र बलों के लिए जो आर्मी फोर्स के जो भागे हुए व्यक्ति हैं, जो उनको संरक्षण दिया है कि अगर सेना के द्वारा कोई, सेना में जो भर्ती है व्यक्ति जो ऑन ड्यूटी में है, उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, संरक्षण दे रहा है 45 आपको। यदि जो सेना में भर्ती है, जो सेना का व्यक्ति है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए आपको केंद्र सरकार का अप्रूवल लेना होगा, यानी सरकार के अप्रूवल के पश्चात ही आप उसको गिरफ्तार कर सकेंगे। सेक्शन नंबर 46 कह रहा है कि अरेस्ट हाउ मेड, यानी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो आपको गिरफ्तारी करते समय किसी व्यक्ति को टच नहीं करना है, छूना नहीं है, आप उसको सशरीर यानी सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, पूर्ण गरिमा के साथ ही आप उसको अरेस्ट करेंगे। आप उसको टच नहीं करेंगे जब तक कि वो आपके वचन कर्म का पालन कर रहा है, तो आप उसको टच नहीं करेंगे। आप उससे कहते हैं चलिए आपको अरेस्ट किया जाता है, अगर वो जाने को तैयार है तो आप उसको सम्मान तरीके से ले जाइए। अगर वो आपके वचन कर्म का पालन नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तब आप आवश्यक बल का उपयोग कर सकते हो। ये सेक्शन नंबर 46 डील करती है। अगर किसी स्त्री को अरेस्ट करना है तो वहां पर किसी स्त्री के द्वारा ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो स्त्री वहां पर उपस्थित नहीं है तो किसी अन्य पड़ोस की किसी महिला को बुलाकर ही उसको अरेस्ट कराया जाएगा। कभी कोई पुरुष किसी स्त्री को यहां पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद 47 में एनकाउंटर करने की भी यहाँ पर 46 में बात की गई है कि अगर कोई मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित अपराध नहीं है तो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार 46 के अंतर्गत नहीं दिया जाता है। यानी उसका अपराध, जिस व्यक्ति को आप मारना चाहते हो, एनकाउंटर करना चाहते हो, तो उसका अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होना चाहिए। 47 कि जहाँ पर व्यक्ति छिपा हुआ है, प्रविष्ट है, तो प्रविष्ट व्यक्ति के लिए जो छिपे हुए व्यक्ति की तलाशी यानी गिरफ्तारी कैसे की जाए। मान लीजिए आपके कंपार्ट में, आपके घर में कोई व्यक्ति छिपा है, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप पुलिस अधिकारी की पूर्ण सहायता मुहैया कराएंगे, आप उसको जाने देंगे और वहाँ पर जाने पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट या बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो 47 कह रहा है कि जहाँ पर
कोई व्यक्ति छिपा हुआ है, उस स्थान की तलाशी, उस स्थान से गिरफ्तारी कराने में आपको पूर्ण सहायता उपलब्ध कराने का कर्तव्य दिया जा रहा है और आपको इसका पालन करना पड़ेगा। और नहीं करते हैं तो आपको वन आईपीसी के अंतर्गत एक प्रोसीजर है, उसके अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 48 डील करता है कि अनावश्यक अवरोध उत्पन्न न करना। आप यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं तो आप उसको अनावश्यक रूप से अवरुद्ध मत करिए। आपने उसको कमरे में बंद कर रखा है तो ये पर्याप्त है उसको निकल भागने से रोकने के लिए। अब ये आवश्यक नहीं है कि आप उस पर हथकड़ी भी लगा दो और बांध भी दो, क्योंकि अब वो कमरे से बाहर नहीं जा सकता। तो 48 स्पष्ट करता है कि अनावश्यक अवरोध उत्पन्न नहीं करना है। आपको जितना निकल भागने के लिए रोकने के लिए आवश्यक हो उतना ही आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, उतना ही आप उसको बाधित करेंगे। सेक्शन नंबर 49 कह रहा है कि आप यदि अगर वो एक बार निकल कहीं पर भी भारत के किसी भी स्थान पे, आपको उसका पीछा करने का अधिकार है। अगर यहाँ से आप अरेस्ट कर रहे थे और वो निकल गया है, वो अदर ज्यूरिडिक्शन में भी चला जाता है, तो आपको भी वहाँ पर पकड़ने का अधिकार यहाँ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से 49 ये कह रहा है कि आपको अदर अधिकारिताओं में पीछा करने का अधिकार है। सेक्शन नंबर 50 जमानत के बारे में बंद करता है कि व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसे जमानत की इत्तला देनी होगी, जमानत की सूचना देनी होगी कि जमानत कराने का आपका अपराध जमानती है या अजमानती है। यदि जमानती है तो उसको जमानत पाना अधिकार है, और अजमानती है तो न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो जमानत दे या मना कर दे। तो सेक्शन नंबर 50 ये डील करता है कि अगर नामित व्यक्ति को इत्तला देने की ड्यूटी है पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी से उस व्यक्ति ने कहा है कि मेरे घर में पता ना चले, मेरे दोस्त को ये जानकारी दे दो कि मुझे अरेस्ट किया गया है, तो ये सेक्शन नंबर 50 ये डील करती है कि नामित व्यक्ति को इत्तला देने की ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की है। उस नामित व्यक्ति तक ये इन्फॉर्म पहुँचाएगा वो कि हमने आपके मित्र को, आपके दोस्त को अरेस्ट कर लिया है। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 51 डील करता है तलाशी। आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उसकी तलाशी लेंगे आप। तलाशी लेने के पश्चात उसमें जो भी मोबाइल, घड़ी, जो चैन उसकी मिलती है, आप उसको रख लीजिए और उसकी एक रिसिप्ट उसको व्यक्ति को देनी होगी। तो सेक्शन नंबर 51 कहता है गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी आप कैसे लेंगे। तलाशी लेने के पश्चात उसको एक रिसिप्ट दी जाएगी ताकि जब वो आएगा और वो रसीद दिखाता है तो आपको वो देना पड़ेगा, जो सामान आपने, वस्तुएँ ली हैं उसको आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर सेक्शन नंबर 52 कह रहा है कि आक्रामक आयुधों को जब्त करना। जो आक्रामक आयुध हैं उसके पास पाए जाते हैं तो उनको आप जब्ती बनाइए और उनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है। सेक्शन नंबर 53 एंड 54 ये डील करता है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा। यानी उसको वो निवेदन करता है, पुलिस अधिकारी निवेदन प्रार्थना करता है, एक कंपलसरी मेडिकल होगा और एक आपको उसकी रिक्वेस्ट पर मेडिकल कराना होगा। मेडिकल इसलिए कराया जाएगा कि आपको उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान ठीक ठीक रख सकें। और सेक्शन नंबर 53 में जो रेप का अभियुक्त व्यक्ति है, जिसने रेप किया है, उसका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। फिर सेक्शन नंबर 55 ये एक प्रक्रिया बता रहा है कि अगर आपने अरेस्ट करते समय किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो किस प्रकार से काम करेगा। तो वही सारी शक्तियाँ होंगी जो एक पुलिस ऑफिसर को होती हैं, जो वो कार्य करते हैं वही यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, जो नियुक्त व्यक्ति है, वही सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। सेक्शन नंबर 56 कहता है कि अविलंब, आपको जल्दी से जल्दी बिना डिले किए हुए आपको यहाँ पर न्यायालय के समक्ष उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। और सेक्शन नंबर 57 टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कि 24 आवर्स के भीतर, यानी यात्रा के समय को छोड़कर, आप अगर बाहर से ला रहे हैं तो जो यात्रा में समय लगा है उसको छोड़कर आप 24 आवर्स से ज़्यादा आप उसके पास अपने पास नहीं रख सकते हैं। आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा और मजिस्ट्रेट से अगर आपको रिमांड देता है तभी आप रख सकते हो, अन्यथा उसको जुडिशियल रिमांड में ही रखा जाएगा। रिमांड दो प्रकार की होती हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सेक्शन नंबर 58 अब यहाँ पर जो अरेस्ट की हम बात कर रहे थे कि अरेस्ट किया गया, अरेस्ट हमने कैसे कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना कोई व्यक्ति मना करता है, प्राइवेट भी कर सकता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी हो सकता है, ये सारी बातें, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी।
अब यहां पर सेक्शन नंबर 58 ये तरीका बता रहा है कि आपको अगर गिरफ्तार किया गया है तो आप बच कैसे सकते हैं, आपको रिलीज कैसे किया जाएगा, आप छूटेंगे कैसे। तो यहाँ पर 58 यहाँ रिपोर्ट देने की बात कर रहा है कि आपको रिपोर्ट देनी होगी। आप अविलंब 56 के अंतर्गत अविलंब पेश करना है, 57 में 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। सेक्शन नंबर 58 रिपोर्ट की बात कर रहा है कि आप DM को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट देनी होगी कि हमने इस व्यक्ति को फला स्थान से समय पर इस समय ये गिरफ्तार किया है। सेक्शन नंबर 59 ये तरीका बता रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा, उन्मेचन कैसे होगा। तो डिस्चार्ज यहाँ पर करने की 3 प्रक्रिया बताई है। या तो आप बॉन्ड भरा लीजिए, उससे बंद पत्र ले लीजिए, बंद पत्र के द्वारा आप उसको छोड़ सकते हैं, या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से छोड़ सकते हैं, के विशेष आदेश से उसको छोड़ा जा सकता है। फिर देन आपका या उसका डिस्चार्ज उन्मोचन। तो ये 3 तरीके हैं उसको डिस्चार्ज करने के, बंद पत्र के द्वारा, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से, या कोई भी प्रतिभूति लेकर, गारंटी लेकर उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। जमानत, तो 3 ही तरीके होंगे कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो या तो उससे बॉन्ड भरा के, गारंटी लेकर, प्रतिभूति लेकर आप ले लेंगे, या मजिस्ट्रेट का आदेश लाएंगे, या उसको जमानत के द्वारा ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि अरेस्ट पर्सन है उसको इन्हीं 3 तरीकों में से किसी एक का पालन करके ही छोड़ा जाता। सेक्शन नंबर 60 कि अगर वो निकल भागा है तो फिर से उसको पकड़ लेने की शक्ति सेक्शन 60 देती है। एक बार निकल भागा है, आप ले जा रहे थे, लेकिन फिर से आप उसको बार बार पकड़ सकते हो, तो जो व्यक्ति निकल भागा है उसको फिर से पकड़ लेने की शक्ति सेक्शन नंबर 60 में यहाँ दी गई है। सेक्शन नंबर 60A ये बात कर रहा है कि गिरफ्तारी कठोरता से इसी संहिता के अनुसार की जाएगी, यानी जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसी के अंतर्गत ही आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 41 से 60 तक, 60A तक गिरफ्तारी के प्रोविजंस थे, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद देन आप इसका लेक्चर, अगला लेक्चर होगा कॉलिंग करने का, जो समन कैसे करेंगे, आप व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर कैसे करेंगे, यानी हाजिर करने के लिए विवश करने की आदेशिकाएं कैसी होंगी, प्रोसेस कैसे जारी करेंगे, उसके संबंध में यहाँ पर लेक्चर अगला होगा।